नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा मशहूर एक्टर अनुपम श्याम ओझा, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, ना जो मैं एक बैल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। भारतीय फिल्म और टीवी कलाकार थे अनुपम श्याम ओझा, जो कि मुख्य तौर से हिंदी सिनेमा और टीवी सीरियल में सक्रिय रहे। अनुप श्याम ने वैसे तो कई फिल्म और टीवी धारावाहिकों में अभिनय किया, लेकिन इन्हें असली पहचान मिली 2009 में आए टीवी सीरियल मन की आवाज प्रतिज्ञा से। इस सीरियल में अनुपम श्याम ने ठाकुर सज्जन सिंह का किरदार निभाया था। ये टीवी सीरियल लोगों को खूब पसंद आया और खासकर अनुपम श्याम का किरदार। इसके बाद वो घर घर पहचाने लगे। अनुपम श्याम ओझा का जन्म 20 सितंबर 1957 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा प्रतापगढ़ से ही प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अवध विश्वविद्यालय से कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, साथ ही उन्होंने भारतेंदु नाटक अकादमी से थिएटर की शिक्षा भी हासिल की। अनुपम श्याम ओझा के बॉलीवुड के पसंदीदा अभिनेता थे राज कपूर, दिलीप कुमार, नसरुद्दीन शाह, बलराज सहनी और इरफान खान, जबकि उनकी सबसे पसंदीदा फिल्म हाल ही वर्षों में रिलीज हुई इरफान खान की फिल्म पान सिंह तोमर थी। अनुप श्याम जी की पत्नी का नाम सावित्री श्याम ओझा है। अनुपम जी और सावित्री की शादी तभी हो गई थी जब अनुपम श्याम ने अभिनय की दुनिया में कदम नहीं रखा था। बहुत कम लोग जानते हैं कि अनुपम श्याम ओझा के माता पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन वह बचपन से ही एक्टिंग करना चाहते थे और आगे जाकर उन्होंने अभिनय की दुनिया में ही काम किया। थिएटर की शिक्षा लेने के बाद अनुपम श्याम श्री राम सेंटर रंगमंडल में कार्य करने लगे। कुछ दिन वहां काम करने के बाद एक्टर बनने का सपना लिए वो माया नगरी मुंबई आ गए। अनुपम श्याम ने सबसे पहले लिट्टी बुद्धा नाम की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्हें शेखर कपूर की फिल्म मैंडेट क्वीन में काम करने का मौका मिला। अनुपम श्याम को फिल्मों में ज्यादातर गुंडे और बदमाशों का किरदार मिला। उन्होंने अपने करियर में दस्तक, 1084 की मां, दुश्मन, सत्या, दिल से, जख्म, संघर्ष, लगान, नायक, शक्ति, पाप, जिज्ञासा, राजा, वेल्डन, अब्बा, वांटेड, कजरारे और मुन्ना माइकल जैसी फिल्मों में काम किया। अनुप श्याम को असली सफलता मिली साल 2009 में आए टीवी सीरियल मन की आवाज प्रतिज्ञा से। इस सीरियल में अनुपम श्याम ने ठाकुर सज्जन सिंह का किरदार निभाया था। ये टीवी सीरियल लोगों को खूब पसंद आया और खासकर अनुपम श्याम का किरदार। इस धारावाहिक में भले ही अनुपम श्याम ने नेगेटिव किरदार निभाया, लेकिन लोगों ने उनके किरदार को इतना प्यार दिया कि अनुपम श्याम का दूसरा नाम ठाकुर सज्जन सिंह ही पड़ गया। अनुपम श्याम ने अपने करियर में प्रतिज्ञा के अलावा कृष्णा चली लंदन, शपथ और डेली अरमानों की सहित कई धारावाहिकों में काम किया। 8 अगस्त 2021 को किडनी की बीमारी से जूझ रहे अनुपम श्याम का निधन हो गया। उनके कई अंगों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं